अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रिमही फिल्म रिनवाड़ की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। समदरिया गोल्ड रीवा में अविनाश तिवारी की फिल्म बुधिया का ट्रेलर रिलीज हुआ। पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन के साथ अपुन भी इस काम के पुण्य भागी बने। समारोह बघेली कलाकारों के खचाखच से भरा रहा। बुधिया गांव के एक महत्वाकांक्षी युवा की कहानी है, उसके आगे बढ़ने के आड़े तमाम बाधाएं आती हैं, पर वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी बेटी को समाज में सक्षम सशक्त बनाकर ही मानता है। ट्रेलर से लगता है कि फिल्म में दक्षिण की फिल्मों की छाया है। लोकेशन सीधी जिले के एक गांव की है, जो कुल्लू मनाली से कहीं कम तर नहीं दिखती। गाने बेसुमार है और मध्य युगीन फिल्म की तरह ट्रेडिशनल है। अविनाश जन्मजात कलाकार है, कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। पिता की रामलीला मंडली में जोकर का रोल निभाते थे। यूट्यूब के सुपरस्टार हैं और उसी में अपनी शॉर्ट फिल्मों के जरिए उत्तर भारत व बिहार में घर घर पहुंचे। पेंसिलीन की खोज नाम के 1.5 मिनट के वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यूट्यूब का प्रशंसक वर्ग इनकी फिल्मों को कितना रिस्पॉन्स देता है, यह फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत हुई है। रीवा कभी बॉलीवुड की फिल्मों के लिए शानदार लोकेशन हुआ करता था। राज कपूर की आह के क्लाइमेक्स में रीवा है। जोगीदार की ब्लॉकबस्टर बिंदिया और बंदूक की पूरी शूटिंग हुई है, जिसमें रजा मुराद, किरण कुमार को पहली बार ब्रेक मिला। लक्ष्मी छाया और नाजनीन के लिए भी यहाँ की लोकेशन शुभ रही। जोगिंदर और शिबू मित्रा ने रीवा और आसपास की वादियों में 6 फिल्में शूट की। रंगा खुश भले ही सी ग्रेड की फिल्म रही हो, लेकिन साइकिल विलेन को जो ट्रेड जोगिंदर ने सेट किया, बॉलीवुड आज तक उसी में उलझा है। विंध में फिल्म और सीरीज निर्माण की अकूत संभावनाएं हैं और कलाकारों की भरमार है, जो इन दिनों अभिनय और संगीत में बॉलीवुड में छाए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि संभावनाओं के इस खुले द्वार में मनोरंजन जगत का एक नया ठिकाना बनेगा। सड़क सुरक्षा लेके जो चला रहा है आज, पुलिस वाले हम तब दिन खातिर कहा था कि हेलमेट लगा, अपने खातिर नहीं कहता तब दिन खातिर हाथी टूटी तो दूसर लग गई काम चल दे, या टूटी दूसर लग गई काम चल दे, मुंडवा जो टूटी दूसर न लग है ना।